हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिप ऑफ स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये क्लास 10 का चैप्टर है और जैसे कि आप सबको पता है कि प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो उनमें ये चैप्टर आ जाता है और इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर माना जाएगा। और सर्कल्स की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में है क्या। इसमें आपको सर्कुलर जो है वो डायग्राम दी होगी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल्स को याद रखना है। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो सबको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर है। और जो चीज आपको यहाँ पे दिख रही है और जो लाइन आपको दिख रही है, अगर आपने उस लाइन की लेंथ निकाल ली है तो आपके पास सर्कमफ्रेंस होगा। सर्कमफ्रेंस का इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2πr। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने पहले कर रखे हैं अर्लियर क्लासेस में, तो उसके आगे बेस्ड भी ये हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें हमारे पास सेंटर ओ हम इसका कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जब हम दो रेडियस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एक पोर्शन बनेगा ये वाला। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सेक्टर, क्योंकि ये छोटा सेक्टर है इसको हम लिखेंगे माइनर सेक्टर। तो जो बड़ा पोर्शन है ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ये सेक्टर्स। इसकी स्टार्टिंग ही सेक्टर से होती है। तो इसमें टॉपिक में आ गया एरिया। तो अगर हमने इन सेक्टर्स का एरिया निकालना हो, आप ये लेट कर लो कि ये जो एंगल है ये थीटा है और जो ये एंगल है इसको आप अल्फा लिख लो। पहले आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो कोई भी सेक्टर हो उसका अगर आपने एरिया निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री आप इस एरिया ऑफ सर्कल के साथ लगा दो, तो आपके पास इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अगर आपने इसको थीटा लेट किया है मेजर सेक्टर को, तो उसका एंगल लगा दो यहाँ पे। इन शॉर्ट जिस भी सेक्टर का एरिया आपने निकालना है उसी का एंगल आप यहाँ पे लगा दो, आपके पास उसी का ही एरिया आ जाएगा। तो अगर आपने इसकी लेंथ निकालनी है, जो ये लाइन है ये सर्कल का एक पार्ट है जिसको हम आर्क कहते हैं, तो अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए आप लिखोगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। जिस आर्क की आपने लेंथ निकालनी है उसी का एंगल लगा दीजिए और उसके साथ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये दो ही फॉर्मूले हैं इसमें अप्लाई होते हैं, और अगर आपको ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने आ गए तो आप इस चैप्टर का कोई भी सम नहीं छोड़ सकते और सारे के सारे सम बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हूज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर आपने इसका एरिया फाइंड करना है तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करो यहां पे थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो आप अकॉर्डिंगली पाई की वैल्यू आपको जो गिवन है वो देख लेना, अगर नहीं गिवन है तो 22/7। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज करेंगे और आर है हमारे पास 15 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ जाएगा। तो इसके साथ मैंने 3.14 यहाँ पे इसलिए यूज की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 15 और 15 है, इनमें कॉमन जो फैक्टर है 5 आ जाएगा जो कैंसिल हो सकता है। तो 60/360 × 314/100, 15 को आप 2 टाइम्स लेकर रखा है तो आप इसको कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। आप इसको डिवाइड कर दोगे 157 और ये 3 इसको डिवाइड कर देगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा
471 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े ही क्विकली आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, ये कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको इसी की लेंथ फाइंड करने को कहा गया हो तो वो फॉर्मूला हमारे पास है, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर, 2 पाई आर सॉरी। तो आप यहां पे लगा दोगे 60 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू वही जो हमने पहले यूज की थी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इनटू 15। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास आ जाएगा 60 अपॉन 360 इनटू 2, 314 अपॉन 100 इनटू 15। फिर वही कैंसिलेशन कर देंगे हम, 5 3 15, 20 आ जाएगा यहाँ पे और ये इसको कैंसिल कर देगा। उसके बाद 3 2 6 आ जाएगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, इसका आंसर आ जाएगा 15.7 सेंटीमीटर। तो आप इस वे में से इन सम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब इनके बोर्ड के एग्जाम में सम कैसे आ सकते हैं, तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो मैं उसको अभी बोर्ड पे लिखूंगा और उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये दो सम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार आए हैं, तो इसके जैसे सम आपको आ सकते हैं। जैसे कि ये एक डिजाइन है, ये डिजाइन जो है पहले तो आया था कि ये एक आयरन की जो रॉड है उसके साथ बना हुआ है, जो वायर के साथ बना हुआ है जिसमें 5 डायमीटर्स हैं, और उसके बाद आ गया ये किसी की रिंग का डिजाइन है, वहां पे इसका डायमीटर गिवन है और जो उसके लिए वो वायर लगी उसकी लेंथ चाहिए हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले में डायमीटर गिवन है, तो जिस जो इसको बनाने के लिए टोटल हमारे पास वायर यूज हुई हमने उसकी लेंथ निकालनी है। तो इसको देख लीजिए, जो भी आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं वो सारी की सारी वायर है। तो डायमीटर से आप निकाल लीजिए इसका रेडियस, रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसमें टोटल 5 डायमीटर्स लगे हुए हैं, टोटल 5 डायमीटर्स है इसमें। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ वायर हमने जो फाइंड करनी है उसके लिए है इसका पेरीमीटर 2 पाई आर प्लस 5 इनटू डायमीटर्स, इसके टोटल डायमीटर है 5, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7, रेडियस है इसका 7, प्लस 5 इनटू 14 जो इसका डायमीटर है, ये कैंसिल हो जाएगा, 44 प्लस 70 आंसर आ जाएगा 114 सेंटीमीटर। विद इन 1 मिनट आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर केस स्टडी भी बनती है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, और जब इसका क्वेश्चन आता है तो उसके साथ इसके इसके जो आएगा उसके साथ 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो दूसरा इसके साथ एक और पार्ट बनेगा कि एक सेक्टर का एरिया निकालो। हमारे पास टोटल जो सेक्टर बने हैं देख लो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्टर्स बन गए। तो एंगल फॉर 1 सेक्टर कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल है 360 और हमारे पास सेक्टर्स हैं 10, तो 36 डिग्री आ जाएगा। इसका आप एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और ये 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसमें आपको 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, ये छोटे सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये बड़े सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जो शेडेड रीजन है उसके साथ आपको एक एंगल भी गिवन होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सपोज कर लो वो 60 डिग्री है, कोई भी हो सकता है, आप सपोज कर लीजिए वो 60 डिग्री है और ये आपको गिवन होगा। तो आप लिखोगे थीटा अपॉन 360 पाई। आप ये सोचिए कि एक सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप इसको लिख दोगे क्योंकि 2 आर है, एक बड़ा आर एक छोटा आर, तो लिख दोगे आप बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसके साथ आपका जो सम है वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, 22 अपॉन 7, बड़ा आर है 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 6 1/6 22/7। देखो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, आप इसको वहां पे यूज कर लो, एक बार प्लस कर दो 21, एक बार माइनस कर दो 7, 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, ये 3 के साथ इसको 11 कर देगा और ये 7 कर देगा, इसका आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर यही सम आपके लिए शेडर रीजन ये गिवन होता तो क्या करते, तो आप यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज करते, बाकी आंसर सेम आता। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बाकी 300 आ जाएगा, और इसी हिसाब से आप इसकी जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके साथ है हमारे पास ये था एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसके साथ करेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। जब एक सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ की जाती है तो उस कॉर्ड एंड सर्कल के आर्क के मीन बाउंड्री लाइन के बीच में जो एरिया आता है उसको सेगमेंट कहा जाता है। तो ये है माइनर सेगमेंट और दूसरा है मेजर सेगमेंट। जब हमें इसका एरिया फाइंड करना होता है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है जो कॉर्ड सेंटर के साथ बनाती है, तो आपको रेडियस गिवन होगा और एंगल गिवन होगा। तो इसका जो है एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला याद रखिए, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में किया है माइनस इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें याद है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के देखो एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको स्पेशल से फॉर्मूला कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये याद रख लीजिए 1/2 r² और इसके साथ एक चीज लगा दीजिए साइन थीटा। साइन की वैल्यू सबको याद होती है। तो चलिए हम इसका एक सम करके देखते हैं कि अगर इसी ट्राइंगल में रेडियस हमारे पास 7 है और थीटा हमारे पास 60 है तो आप इसके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे 22/7 × 7 × 7 −1/2 7 × 7 और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 60। देखो यहाँ पे 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 77/3 −1/2 ये आ जाएगा 49। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। वैसे तो आपको वहां पे वैल्यू गिवन होगी √3 = 1.73, ऐसी कुछ वैल्यूज आपको गिवन होती है। अगर नहीं है तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वैल्यू पुट कर दो या अदरवाइज यहीं पे आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए −49/4√3। अगर आप इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये एलसीएम लेके आप इसको लिख सकते हो। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट है, इससे बेस्ड ही आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ दो ही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, पहला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, दूसरा होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का। हाँ अगर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है तो आपको वहां पे पाई आर स्क्वायर की जगह पे 2πr लगाना पड़ेगा, बस इतना सा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना सा ही काम है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे और अच्छे से कर लोगे तो आप इसको कंप्लीटली स्कोर बना सकते हो अपने बोर्ड के एग्जाम में और प्री बोर्ड में भी। और मजेदार वीडियोस देखने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।